एक्चुअल में क्या है कि कोकोनट एक ऐसा पेड़ है जो कि आपको सत्तर अस्सी साल तक फ्रूट देगा इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको दो पेड़ के बीच में साढ़े सात मीटर का कम से कम डिस्टेंस बनाए रखना है तो जब आपको साढ़े सात मीटर का गैप मिल रहा है तो बीच का एरिया आप खाली क्यों छोड़ेंगे तो हम लोग यूजली फार्मर्स को ये कहते हैं कि आप इसको कभी मोनोक्रॉप में ना लेके आप इसको मल्टी टायर क्रॉपिंग में लगाएं मल्टी टायर कहने से मेरा मतलब है अगर मैं इसको लेमन के लैंग्वेज में बताऊं कि आप इसको हाइट वाइज अलग अलग टायर्स में लगाए सबसे ऊंचा आपका नारियल का पेड़ हो गया उससे नीचे आपको एक फ्रूट ट्री ले ले लेना है जो हाइट में नारियल से कम है उससे नीचे आप सेकेंड लेयर में फिर एक ट्री ले सकते हैं और सबसे नीचे आप वेजिटेबल्स या फ्लावर्स ले सकते हैं तो बेसिकली जैसे आप हमारे फील्ड में देखेंगे आपको नारियल के नीचे यहाँ पे दालचीनी के पौधे नजर आएंगे है ना तो इसी के साथ साथ यहाँ पे आप बनाना पपाया इनको ले सकते हैं और उसके नीचे लेवल में भी आप ट्यूबर्स को लगा सकते हैं वेजिटेबल्स लगा सकते हैं फ्लावर्स लगा सकते हैं ताकि जितना भी बीज का पैच है कोई भी हिस्सा खाली ना जाए आप पूरे एरिया से आप प्रोडक्शन ले सके इसे हम कहते हैं मल्टी टाइट क्रॉपिंग मैम इकोनॉमिकली कितना वाइबल है ये इकोनॉमिकली तो ये बहुत ज्यादा वाइबल है क्योंकि जब तक नारियल प्रोडक्टिविटी में आता है प्रोडक्शन देना शुरू करता है आप इसे रिटर्न्स लेना शुरू करते हैं तब तक वो नीचे का पैच खाली है तो क्यों ना आप उसमें दूसरे जो पेड़ पौधे लगाकर आप उसके उससे रिटर्न्स ले सकें बेसिकली आप देखेंगे जितने भी टॉल वेराइटीज हैं वो छह से सात साल के बाद ही प्रोडक्शन देना शुरू करते हैं और एक बार वो प्रोडक्शन देना शुरू करते हैं तो वो सत्तर अस्सी साल तक प्रोडक्शन देते हैं साल भर में वो अस्सी से सौ नट आपको देंगे ही देंगे तो बीच का जो टाइम है ये छह सात साल का टाइम उसमें हम लोग फार्मर्स को बोलते हैं कि आप दूसरे पौधे लगा के उसमें से प्रोडक्शन लें उसमें से ईड लें ताकि वो छह सात साल का टाइम उनके लिए ऐसा ना हो कि उनको फील्ड से लॉस हो रहा है तो वो वेजिटेबल्स लगाते हैं फ्लावर्स लगाते हैं और हमारे कई ऐसे किसान हैं जो काफी अच्छे रिटर्न ले रहे हैं इकोनॉमिकली इनसे भी हम बस्तर जो रीजन है वो कितना है कोकोनट फार्मिंग बस्तर एक नॉन ट्रेडिशनल एरिया जरूर है लेकिन ये काफी अच्छा है नारियल के लिए और ये इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्सपेरिमेंट्स लग रहे हैं हम उसी से प्रूफ कर सकते हैं इन बातों को यहां का जो क्लाइमेट है वो काफी कुछ साउथ से मिलता जुलता है यहां जो इसके लिए क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी है वो करीब 600 से हजार मीटर के ऊंचाई पे लगता है समुद्र तल से जो हमको यहां पे मिल जाता है फिर सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस फाइव अगर होता है तो वो नारियल के लिए काफी सूटेबल है जो हमको मिल जाता है यहाँ की ह्यूमिडिटी तो इन सबके कारण यहां काफी अच्छा एक एनवायरमेंट इसे मिल जाता है जो इसमें ईल्ड काफी अच्छा देता है तो हमारे यहाँ जितनी वेराइटीज लगी हुई हैं बाहर के काफी सारे जर्म प्लाजम्स वेराइटीज का यहाँ ट्रायल डला है और हर एक वेरायटी काफी सुटेबली यहाँ पे परफॉर्म कर रही है यहां ऐसे बहुत ही कम आप ऐसा बोल पाओगे कि ये नारियल यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है चाहे वो टॉल्स हो चाहे वो डो हो चाहे वो हाइब्रिड्स हो वो सभी यहाँ बहुत अच्छा फार्मर्स पहले तो अडॉप्ट करने के लिए मना करते थे रीजन ये था कि उनको लगता था कि इतना बड़ा पेड़ है छह सात साल कोई ईल्ड नहीं देगा फिर हमारा क्या होगा उतने साल हम क्या करेंगे लेकिन जब धीरे धीरे उनने जानने की कोशिश की कि इससे फायदे कितने हैं लाइक कोविड के टाइम पे मेरे ख्याल से जो नारियल के नट की इतनी कमी हो रही थी क्योंकि डॉक्टर्स यूजली प्रेफर करते थे नारियल पानी पीने बोलने तो फार्मर्स को जब पता चला कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है और अभी भी यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा है नारियल के जो टेंडा नट्स है उसकी डिमांड काफी ज्यादा है तो अब ये सब देखते हुए फार्मर्स बहुत जल्दी अडाप्ट करना चाह रहे हैं और उनका कहना है कि वो अभी फिलहाल प्रेजेंट को ना देख के वो फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज को देख के इसको अडॉप्ट करने के लिए ज्यादा तैयार हो रहे हैं तो हमारे कांटेक्ट में से कई फार्मर्स आ रहे हैं जो धीरे 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 करके अपने ही एरिया में इसको एक्सपैंड कर रहे हैं उनके पास ज्यादा एरिया नहीं है तो वो बाड़ियों में लगाने से शुरुआत कर रहे हैं अपने जो बाउंड्रीज हैं प्लांट की वहां से लगाने से शुरुआत कर रहे हैं और वो कहीं भी लगाना शुरू करें हैं तो हमारा कहना भी यही है आप भले ही उसको मार्केटिंग पर्पज से ना देख के अपने फैमिली के लिए ही अपने ही हेल्थ के बेनिफिट्स देख के आप उसको लगाइए प्रमोट कीजिए तो धीरे धीरे फार्मर्स भी जो हैं वो काफी अवेयर हो रहे हैं और काफी ज्यादा नंबर्स में वो नारियल को लेना एक एरिया में लगाना है डॉक्टर हम लोग एक्चुअल में यहाँ वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं वर्मी कंपोस्टिंग ऐसी कि इसके जो पत्ते होते हैं वो आप देखेंगे कि बाकी जो फ्रूट ट्रीज हैं उनके पत्तियों से काफी हार्ड है उनके पेडिसल काफी हार्ड है तो इनको पचाना किसी भी अर्थवर्म के लिए उतना ईजी नहीं होता जितने बाकी पत्तियों को पचाना तो हमारे यहां पे हम लोग आइसिलिया फिटिडा करके एक अर्थवर्म है जिसको यूज कर रहे हैं कोकोनट के जितनी लीव्स हैं और उनके प्रोडक्ट हम लोग उसको कंपोस्ट uh, में चेंज करने के लिए तो वो आप चाहे तो आप यहां देख सकते हैं तो वो हम लोग इवन फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं जितने भी फार्मर्स हमारे नारियल से रिलेटेड हैं हम लोग उनको भी इस अर्थवर्म को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने ही एरिया में इजिली वर्मी कम्पोस्टिंग करके कम्पोस्ट अपने खेत में यूज कर सकते हैं For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.